तो भाई इसको ओपन किया, यहाँ पर गोल्ड के बिस्किट रखे हुए हैं। तो फिलहाल भाई साहब निकाल रहे हैं तलवार, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इन्होंने क्या चीज़ इसमें कैलीग्राफी के थ्रू लिखा हुआ है। गरीब आदमी पैसों के पीछे भागता है और अमीर आदमी नाम और फेम के पीछे भागता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो तलवार इन्होंने बना दी है, इतनी बड़ी तलवार, तो ये शेख साहब के पास पैसों की कमी नहीं होगी। अब पैसे इनके पास हैं तो इन्होंने कुछ ऐसा ईजाद किया है कि इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से भी बार बार ये कहता हूँ कि भाई गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। इसलिए कुछ नया प्रोडक्ट किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में दिल जान लगा दीजिए आप। अब जैसे कोई भी यहाँ पर बहुत से लोग अपने प्रोडक्ट सेल करने आए हुए हैं और ये भाई साहब यूनिक चीज़ बनाकर डिस्प्ले करा हुआ है कि भाई अट्रैक्शन का सेंटर बने हुए हैं। अब लोग आके इंटरव्यू ले रहे हैं इनका, और इन्होंने जो तलवार बनाई है भाई, इसमें कारीगरी भी इन्होंने की है, मतलब इनके अंदर टैलेंट भी है और वो टैलेंट इन्होंने दुनिया को दिखाना चाहा। ये जो पीछे तलवार इन्होंने बनाई है, इस तलवार पर इन्होंने खुद कैलीग्राफी भी करी हुई है, अरबी में इसमें लिखा हुआ भी है बहुत खूबसूरत। अभी भाई साहब का इंटरव्यू होगा तो ये ओपन करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों मेरा ये सिर्फ आप सब से कहना है, और मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने ऊपर ये रूल, कि लगे रहो कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हो, टारगेट एक पहले बना लो और फिर उस तरफ निकल जाओ। तरक्की में टाइम ज़रूर लगेगा। तो फिलहाल भाई साहब निकाल रहे हैं तलवार, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इन्होंने क्या चीज़ इसमें कैलीग्राफी के थ्रू लिखा हुआ है। तो अरबी में भाई साहब ने बहुत ही खूबसूरत लिखावट बनाई हुई है, और ये भाई टैलेंट है, टैलेंटेड हर कौम में, हर कंट्री में, हर जगह आपको मिलेंगे। बहुत से लोग अपना टैलेंट पैसों की कमी के वजह से आगे नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो टैलेंटेड नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ लोग जो मेहनत करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कुछ नया करने की। तो आप देखिए इन्होंने क्या चीज़ ईजाद कर दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये देखिए आप, ये जितना भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, ये डिज़ाइन, और ये जो एक छोटा सा, पहले ये पुराने ज़मानों में इस तरीके से सिंगारदान, या आप बोल सकते हो कि एक बॉक्स बना हुआ है, ये सब ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए यूज़ होता था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना के रखा भी जाता था कि भाई राजा महाराजाओं के यहाँ आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने ये सारी चीज़ें खुद बनाई है, यहाँ तक कि जो पेंटिंग वगैरह है ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई है। ये एक यूनिक चीज़ दिख रही है, इसको ज़रा ओपन करते हैं, क्या है ये। तो भाई इसको ओपन किया, यहाँ पर गोल्ड के बिस्किट रखे हुए हैं, तो इसको तो भाई लेना पड़ेगा। तो मैंने एक गोल्ड उठा लिया है, अच्छा खासा ग्राम, कम से कम ये अच्छा खासा महंगा होगा, इसको जेब में रख लेते हैं। ये गोल्ड नहीं है दोस्तों, ये चॉकलेट रखी है। तो अब इसको अगर ओपन करेंगे इसके अंदर क्या मिलेगा। तो इंटरव्यू भाई साहब का बड़ा लंबा चल रहा है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं,